नमस्कार दोस्तों, दिस इज एवरीथिंग चैनल, एवरीथिंग फॉर यू। कोरोना का समय चल रहा है और मौसम भी चेंज हो रहा है। कोरोना की महामारी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मौसम का इन्फेक्शन भी है। जब मौसम चेंज होता है तो बीमारियां उस समय अधिक घेरती हैं। मौसम चेंजिंग के समय ही हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसी समय ज्यादातर रोग और इन्फेक्शन पकड़ते हैं। इस समय हम लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जैसे रोग होते हैं। और हम समझ नहीं पाते कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन। अधिकतर लोग तो इसे कोरोना ही समझ लेते हैं, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने समझ बूझ से, जांच पड़ताल से ये पता लगाते हैं कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और इन्हीं में से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक बेस्ट एंटीबायोटिक टेबलेट, जो कि दवा का जेनरिक नाम है और बाजार में आपको ये एमोक्सिसिलिन नाम से ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम एमोक्सिसिलिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इसके यूजेज, ब्रांड नेम, कंपोजिशन, साइड इफेक्ट, खाने का तरीका, किस समय पर इसको लेना है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरिया के कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रमण का इलाज करने के लिए किया जाता है। यह डॉक्टर के पर्चे पर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवा है। एमोक्सिसिलिन की मात्रा रोगी के वजन, लिंग, आयु और पिछले किए गए इलाजों पर निर्भर करता है। एमोक्सिसिलिन का मुख्यतः इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन, ऊपरी श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है। इसके अलावा एमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कान में संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, यूरिन इन्फेक्शन, एच पायलोरी, निमोनिया, सेलुसाइटिस, सुजाक, स्किन इन्फेक्शन, पेट की अल्सर, चेहरे में सूजन, ब्लैडर इन्फेक्शन, एंथ्रेक्स, नाक में फुंसी, फेफड़े में इन्फेक्शन, गले में सूजन, गले में चुभन, गले में छाले एवं गले बैठने जैसी बीमारियों में किया जाता है। एमोक्सिसिलिन के नॉर्मल साइड इफेक्ट की बात करें तो मतली, उल्टी, दस्त, अति संवेदनशीलता, त्वचा पे लाल चकत्ते और दाने हैं। वहीं गंभीर साइड इफेक्ट की बात करें तो वाहिका सोफ मतलब वाहिकाओं में सूजन जैसी बीमारियां हो जाती है। एमोक्सिसिलिन के साइड इफेक्ट जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। एमोक्सिसिलिन से संबंधित चेतावनियों की बात करें तो गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं डॉक्टर से सलाह करके ही इसे लें। स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है। लीवर और हृदय पर इसका हल्का प्रभाव पड़ता है और गुर्दे के लिए यह सुरक्षित है। इसके कंपनी या ब्रांड नेम की बात करें तो जक्सन पाल कंपनी इसे एमोक्सिसिलिन टेबलेट के नाम से ही बनाती है। और भी अदर कंपनियां और ब्रांड हैं जो इसे अदर नेम से बनाती हैं, लेकिन इसके कंपोजिशन में एमोक्सिसिलिन ही रहता है। इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज डॉक्टर ही आपकी बीमारी, उम्र और वेट के आधार पर निर्धारित करते हैं। वैसे नॉर्मली इसकी डोजेज की बात करें तो 20-40 mg पर kg पर डे के हिसाब से तीन भागों में दिया जाता है, मतलब दिन में तीन बार इसको दिया जाता है। मतलब किसी का 1 kg वेट है तो उसे 20-40 mg टेबलेट सुबह, दोपहर, शाम, दिन में तीन बार दिया जाएगा। इसी तरह किसी का मान लीजिए 40 kg वेट है तो उसे 40 kg गुड़े 40 mg मतलब 1600 mg पर डे तीन भागों में बांट कर दिया जाएगा। और इसकी टेबलेट मैक्सिमम 500 mg की आती ही है, तो इसे मरीज को 5 x 15 मतलब सुबह, दोपहर, शाम 1500 mg तीन भागों में बांट कर दिया जाएगा। बात करते हैं एमोक्सिसिलिन बैक्टीरियाओं को मारता कैसे है। एमोक्सिसिलिन बैक्टीरियाओं को दो तरीके से मारता है। एक तो यह डायरेक्ट बैक्टीरिया को मारता है, दूसरे यह बैक्टीरिया के वॉल को बनने नहीं देता, उसे सिंथेसाइज नहीं करने देता है और इस तरह यह बैक्टीरियाओं का खात्मा करता है। मैं कुछ बैक्टीरियाओं के एग्जांपल हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, एस निमोनिया, बी एंथेसिस, साल्मोनेला और सुडोमोनस। और इस प्रकार एमोक्सिसिलिन विभिन्न बैक्टीरियाओं का खात्मा करता है और हमें विभिन्न बैक्टीरियाओं से बचाता है। इसके कुछ कैप्सूल और टैबलेट नेम है जैसे एलमोक्स 500 mg, एलवीमोक्स 500 mg, इसके अतिरिक्त ट्राईमोक्स, एटमोक्स, मोक्सिल, वाईमोक्स, टीएमएक्स सभी 500 mg में कैप्सूल मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों एमोक्सिसिलिन टेबलेट के फुल इन्फॉर्मेशन। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। एवरीथिंग चैनल, एवरीथिंग फॉर यू।